superb diving. Another good shot. Beautiful hands. Whips it away with such style and grace. Closing again. जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का आज तीसरा बड़ा मैच कांटेदार जो मैच वो आज अफगानिस्तान के साथ खेलने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपना भारत और न्यूजीलैंड के साथ अपना जो मैच है वो अपने नाम कर चुका है, और आज का मैच कैसा रहेगा और कितना कांटेदार, कितना पाकिस्तान अपने आप को लकी समझता है कि वो इस मैच को आसानी के साथ जीत सकते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि अगर पाकिस्तान आज का मैच आसानी के साथ जीत जाता है तो आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ वाले से आज हम चिश्तियाँ आए हैं ताकि चिश्तियाँ की आवाम का हम वाकफ़ जान सकें कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। पाकिस्तान की जो टीम है मेरी नज़र में सबसे फेवरेट टीम है वर्ल्ड कप, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान की जो टीम है जब वो ऊपर जाती है ना तो फिर वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है। आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को भी शिकस्त दिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी है। आज आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ मैच है, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले वो बॉलिंग करे, क्योंकि आपको पता है कि बॉल में नमी होती है और बॉल जो मुश्किल होता है। इसमें पाकिस्तान को टॉस पहले दो मैच पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे तरीके से जीते हैं, आज अफगानिस्तान को भी इसी लिहाज से हराना चाहिए और पाकिस्तान को जीत कर टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करनी चाहिए। और पाकिस्तान को मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह का थोड़ा सा ख्याल से उसको खेलना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी बल्लेबाजों का एहतियात से खेलना चाहिए और पुरस्कार तरीके से पाकिस्तान जो आज का मैच की फेवरेट टीम है और अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानिस्तान की भी बहुत अच्छी टीम है। अफगानिस्तान की जो टीम है उसमें 3 से 4 प्लेयर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, जिसमें राशिद खान है और उसका मोहम्मद नबी कैप्टन है, वो भी बहुत अच्छी अफगानिस्तान से इसका लग रहेगा। और अगर अफगानिस्तान विन करता है तो अफगानिस्तान 140 के राउंड जाएगा। इन शाला मेरी यही दुआ पाकिस्तान बहुत अच्छी के लिए अच्छी खेलेगी, इन शाला अच्छा परफॉर्म देगी और इन शाला वर्ल्ड।